नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सा ने, जो आज भी आबाद है उनकी दुआओं से हम चलते हैं अभी तो उनके दफनाने का टाइम आया है तीन सौ सत्तर को कोई नहीं दफना सकता मैं लोगों से वोट नहीं मांगता मैं कहूंगा भाई आपको पता है हम क्या कर रहे हैं ये मेरे प्रोग्रामात हैं आगे को इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर शाह साहब सर आपका खैर मकदम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर में थैंक यू जी सर बहुत सारे सवाल है कुछ हमारे हैं कुछ अवाम के हैं okay. सर दस साल के बाद असम्बली इलेक्शन आने वाले हैं नई नई पार्टीज जो है वो सामने आ रही है ऐसे में आप एहसी e को कहाँ देख रहे हैं ये तो पब्लिक फैसला करेगी जितने भी लोग आ रहे हैं कोई जमाते हैं ठीक ठाक हैं कोई स्पॉन्सर्ड हैं और पब्लिक को सब पता होता है कि कौन क्या है कहाँ से आया है इसका बैकग्राउंड क्या है क्या करता है क्या इसने किया है सो so, आज ये यहाँ के लोगों का इलेक्शन है बेसिकली ये सियासी जमातों का इलेक्शन नहीं है आज लोगों को अपना नुमाइंदा चुन के भेजना है कि जो उनके लिए काम करेगा चाहे आप उसको डेवलपमेंट बोलें और उनके लिए काम करेगा जो हमारा बुनियादी मकसद है कि जो हमारी इज़्ज़त पे हमला हुआ है जो हमारी तशखस पे हमला हुआ है उसको किस तरह महफूज़ रखें किस तरह हम अपना कश्मीर का कैरेक्टर जम्मू वाले डोगरा का करेक्टर मुसलमान का कश्मीरी कश्मीरी का कैरेक्टर चाहे वो जम्मू में है इधर है लद्दाख के साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है आज का एलेक्शन आपके फ्यूचर जनरेशन के एलेक्शन के लिए आपको अपने बच्चे की प्रोटेक्शन का सवाल है क्योंकि आज आपके लैंड पे इस वक्तवार है आपकी जॉब्स पे वार है आपकी बिजनेसेस पे वार है सर कई सारे सवाल हमने पहले ही कहा कि कुछ आवाम के भी है तो है। ऐसे मैं लोगों का कहना है एएमसी हो या एनसी एक ही थाली के है क्या कुछ डिफरेंस है कि सच में वाकई में बैक स्टेज एक ही है और फ्रंट फुट पे अलग-अलग खेला जाता है जी नहीं हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस किला एक ही है एक ही था और वो किला उन्नीस में उस किले में बहुत बड़ी दराड़ आ गई और वो प्रिंसिपल्स पे वो दराड़ है और वो हालांकि हमारी आपस में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है मगर जो प्रिंसिपल्स का मामला है वो रिलेशन आज तक सही नहीं हो पाई है क्योंकि हमारे लिए जम्मू कश्मीर फर्स्ट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट नहीं तो मेरे वालिद साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रीढ़ की हड्डी के सबसे अहम जुज अहम हिस्सा उनका जो नजरिया जो शेरी कश्मीर का नजरिया था वो उसी नजरिए हमेशा कायम रहे उन्होंने पावर पॉलिटिक्स कभी नहीं खेली नहीं तो अगर पावर पॉलिटिक्स खेलनी होती तो वो ताक ता हयात चीफ मिनिस्टर रहते हैं सर बात इलेक्शंस की हो रही है बात हार जीत की होती है आपने कहा कि लोगों को फैसला करना है किसको वो आगे देखेंगे कौन सीएम की कुर्सी संभालेगा सर अगर देखा जाए आपके वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तब से आपकी तब से अब तक आपकी क्या आदत में अगर देखा जाए ए ने कभी भी कोई भी असम्बली सीट जो है शायद अपने नाम की होगी तो सर आप इस बार अपनी जो जमानत है वो बचा पाएंगे एएनसी ने बेसिकली तरजीह दी है पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने अपने लिए कभी इंटरेस्ट कुर्सी का इंटरेस्ट कभी नहीं देखा क्योंकि ऐसे कुछ मनोवर्स आप कर सकते हैं आप पावर के बहुत नजदीक आ सकते हैं मगर उन मनोवर्स पे हमने कभी इतफाक नहीं किया है नहीं तो एनसी का पावर पॉलिटिक्स में उनका जोड़ ही नहीं मिलता क्योंकि अगर देखा जाए लोग उसको सपोर्ट करेंगे जो उनके लिए जिन्होंने उनके लिए कुछ किया होगा सर बीजेपी की बात करें बड़े बड़े दावे जी हमने डेवलपमेंट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात जी हमने अगर सत्तर बीस या पचास साल हुकूमत की हमने बहुत सारी चीज़ें कश्मीर में लाई बहुत सारी डेवलपमेंट की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें लेकिन अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक आवाम के लिए क्या किया आप बहुत छोटे हो अल्लाह ताली सलामत रखे आपको सर शुक्रिया आपको खबर ही नहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट की है कितने साल गवर्नमेंट की है उस गवर्नमेंट का सबसे अहम रुकन जी रहे चाहे 1948 तो 1953 जब आप और मैं पैदा भी नहीं होते ठीक है वो कंट्रोल ऑफ फूड एंड सप्लाईज थे शेर कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अहम रुकन एक सुनिए मेरी बात उसके बाद 1975 टू 1982 सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट के मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के सबसे इंपॉर्टेंट आला तरीन. फिर खुद वजीर आला 84 से 86 तो गिनिए ये साल सर सब वालिद साहब ने किया, किया है आपने एक मिनट सुनिए हाँ बहुत अच्छा सवाल है सर वालिद साहब क्योंकि आप आपके वालिद साहब ने आपने, 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 आपने कहा सुनिए मेरी बात आपने कहा एनसी ने क्या किया एनसी के जो फाउंडर थे जितनी भी आज आप डेवलपमेंट यहां देखते हैं जो आंख के सामने आती है हुँ? जो शेरी कश्मीर के विजन के तहत हुई उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो जीएम एम शाह की थी आप बताएंगे क्या हम शुरू करते हैं शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट से उनकी देखरेख में बना या आपके लिए एक मैं आपको आपकी एक एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूं आप फोर शोर रोड पे जाते हो रोज ये भी उन्होंने बनाया सर, आपने एक मिनट सुनी मैं उसी पे आता हूं और ऐसा जवाब दूंगा कि आप आइंदा ये सवाल ही नहीं पूछेंगे और खुश हो जाएंगे आप सुनकर उसके बाद आप चलिए यहाँ के हॉस्पिटल्स जो उस वक्त बने शेख साहब की विजन के तहत मगर एग्जीक्यूशन अंडर जी एम शाह ललदत हॉस्पिटल बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल कोई भी दाएं बाएं आपको हॉस्पिटल दिखे राइट आपके श्रीनगर और जम्मू में बाईपास है ना रोड हुँ? आप सफर करते हो उस पर हाँ. भी उन्होंने बनाया पावर मिनिस्टर अंडर हिज कमांड, ठीक? ठीक सर आपका? नहीं ये मुझे बताइए इस यहां की पॉलिटिक्स में कोई ऐसा शख्स दिखाए जिन्होंने ऐसे कुछ काम किए हो फिर आपका शहरी कश्मीर कॉम्प्लेक्स जहां आप रोज समान मंत्रियों जंत्रियों को कन्वेंशन करते देखते हैं ये भी शेरी कश्मीर के विजन के मगर एग्जीक्यूशन किन की N. ना शाह की, जो फाउंडर है के, थी. और टाइम बाउंड प्रोग्राम के है सात साल में यह सब हुआ फ्रॉम सेवनटी फाइव टू ऑल योर इंपॉर्टेंट माइल स्टोन ऑफ डेवलपमेंट आर ऑफ दैट टाइम अंडर शेर कश्मीर विजन एग्जीक्यूटिड बाय जी एम शाह नाउ अब आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल किया वॉट हैव यू डन मिस्टर शाह इट इज नॉट ओनली योर फादर वेल माई डियर गर्ल एटी फाइव टू एटी फोर टू एटी सिक्स में स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट था उसी दौर में हमारी कोऑर्डिनेशन के तहत एज द लेबर प्रेजिडेंट विद ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ द जी एम शाह कैबिनेट उनके नजरिए के तहत फोर्टी सेवन थाउजेंड डेली वेजर्स जिनकी मियाद खत्म हो रही थी हा? एज की उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दी गई 47,000 सेवन को उस वक्त की गवर्नमेंट ने जीएम शाह साहब की गवर्नमेंट के तहत उस वक्त आबाद किया गया जो आज भी आबाद है उनकी दुआओं से हम चलते हैं और मैं उस वक्त का स्टेट सेंट्रल लेबर का प्रेसिडेंट था आई हैड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स टू प्ले इन दैट फोर्टी होम्स और ऐसा था कि किसी के एक बंदे का एक पैसा खर्च नहीं हुआ कोई रिश्वत नहीं हर किसी को घर पे अपना ऑर्डर मिला कोई सियासी खटपैंच बीच में नहीं कोई डीसी नहीं कोई एसपी नहीं नो बड़ी एंड डन ऑन मेरिट्स अभी आप सामने रखेंगे इलेक्शंस के लिए लोग आपको वोट करें अगर अभी की बात आपको यह मालूम है कि पिछले पांच साल से पीएचडी के तहत जो हम काम करते थे सबसे इंपॉर्टेंट मेरी कंट्रीब्यूशन है कि हमने 370 के फ्लैग को नारे को जिंदा रखा एंड आई एम द फ्रंट रनर ऑफ दैट दूसरा चीज कि हमने इन सबको कोशिश की थी कि एक ही झंडे तले से सब बैठे रहे पीएचडी के तहत और टिल द लास्ट हतल मकदूर कोशिश हमने की कि वो रहे मगर वो फिर पार्टी पॉलिटिक्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी पॉलिटिक्स में पीडीपी की पार्टी पॉलिटिक्स में पीएचडी का उन्होंने जनाजा पढ़ लिया और मैंने हतल मकदूर कोशिश की मालूम नहीं आप लोगों ने उसको देखा है कि कहा प्रेस के लोग हो हा? सुप्रीम कोर्ट के सामने में सबके साथ मैं खड़ा और अपना फर्ज निभाता था और सारी पीएजीटी को खड़ा करता था उधर उनकी तरफ रिप्रेजेंट होता था ओके जब यहां बुलडोजर चले कौन खड़ा हुआ बुलडोजर के सामने मुजफ्फर शाह वो बुलडोजर बंद भी हुआ फिर उसके बाद उससे ज्यादा क्या करना चाहिए बेटा आप हमेशा बात करते हैं तीन सौ सत्तर को लेकर बिल्कुल करता हूँ क्योंकि वो वो हमारे खून में वो आपकी इज्जत है वो आपकी शान है सर ऐसे में आपने जब तीन सौ सत्तर पांच अगस्त दो हजार उन्नीस सबको याद है आपको भी याद है मुझे भी याद है तो उसके बाद आप सामने आपने बोला जी मैं सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ूंगा लड़ रहे हैं सर अभी तो कुछ हुआ नहीं वैसे थोड़ी होता है ये कोई सुप्रीम कोर्ट का या तीन सौ सत्तर का इतना बड़ा मैटर कोई खाला जी का घर है लेकिन जो सेंटर पार्टी आई मीन टू से बीजेपी है वो बोलते कि इसको हमने दफनाया है है ठीक ना अभी तो उनके दफनाने का टाइम आया है 370 को कोई नहीं दफना सकता डॉक्टर फारूक साहब बोल रहे हैं कि इसको 100 साल लगेंगे तो उनको बोलिए फिर अपने अगर डॉक्टर फारूक साहब ऐसे बोल रहे हैं तो फिर अपने मैनिफेस्टो में लिखिए ना एक सौ साल लग रहे हैं ये आपको डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए उनको बोलना चाहिए मुजफ्फर शाह ने यह जवाब दिया आपके लिए कहा है कि आपको अगर लगता है कि इसमें सौ साल लगेगा तो ये आप अपने मैनिफेस्टो को दुरुस्त कीजिए कि भैया इसमें सौ साल लगेगा अभी रुक जाइए यू दिस नॉट टू मी बिकॉज आई एम गोइंग विद्यूरिटी पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एनी टाइम नाउ फॉर मी थ्री सेवन जीरो इज वेल एंड अलाइव एंड किकिंग इट वॉन्ट गो आउट एनी वेयर इट्स

आपको पता है हम क्या कर रहे हैं ये मेरे प्रोग्राम आते हैं आगे को अगर आपको लगता है कि हाँ इस इस बात में दम है चलिए बढ़िया बट आई विल नेवर से वोट फॉर मी द पीपल द बेस्ट पर्सन क्योंकि आज के एमएलए का, का काम आपकी सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं है यहाँ पे इशू इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का है सबसे बड़ा यह, यहाँ पे उसके बाद इशू ड्रग्स का है यहां पर उसके बाद इशू अल्कोहल मैनेज का है आपकी उसके बाद इशू यहां की जो आपकी इकोनॉमी है उस पर है आप अभी हमारी इकोनॉमी इतनी अभी इतना होने के बावजूद वी डोंट हैव इनफ मनी टू पे फॉर अवर सैलरीज इतने इशू मेरी बात मगर सबसे अहम काम तीन है रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स जो करीब बतालीस हजार हैं उनमें से छब्बीस हजार के आसपास ऐसे हमारे नौजवान बच्चे हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनके पर कोई केस नहीं है उनको रिलीज कराना हमारा काम है आपका दरबार मुंह जो है इसको वापस कराना हमारा काम है क्योंकि जम्मू वाला भी आज रो रहा है बिलक रहा है उसके पास कोई ट्रेड नहीं है कोई काम नहीं है बाहर से पचास लाख लोग आज जम्मू में काम करते हैं आज जम्मू का डोगरा कैरेक्टर अंडर सीज है अंडर सीज है आज वो समझते हैं तीन सौ सत्तर का Uh, व, 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 ये क्या कहते हैं फायदा क्या था वो आपको प्रोटेक्ट करता था आपकी जॉब को आपकी एजुकेशन को आपके लैंड को सर इतने सारे इश्यूज़ ठीक सुनिए सर सो so, हमारा काम होना चाहिए यू गिव डेवलपमेंट विदाउट ब्लड शेड गुड गवर्नेंस गोली नहीं चले सर इतने सारे इश्यूज़ है ड्रग्स को लेकर इश्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर इश्यूज़ है काफी सारे इश्यूज़ है कश्मीर में आपका कहना है का कहना है, कहीं ना कहीं हमारा कहना भी है। सर, के e मैनिफेस्टो में क्या कुछ आने वाला है? सब है सब इसमें। आप अपना, मैं आपको पीडीएफ बातें कागजी रहे या भी हो जाएगा? कुछ बाते रहती है। हमारे लेवल में कागजी नहीं होता है हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों के जो वो हम पर उम्मीदें बांधते हैं हम उन पर खड़े उतरें आई कैन ओनली ट्राई माई बेस्ट राइट एंड इट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड द बेस्ट सुटेड कैंडिडेट हु विल प्रोटेक्ट टॉक फॉर देयर उनकी प्रोटेक्शन ऑफ देयर आइडेंटिटी उनकी प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स ऑफ देयर जॉब्स ऑफ देयर लैंड एंड ऑन द अदर हैंड कैन गिव एक आपको प्लान दे सकता है कि वट आर वी गोइंग टू डू फॉर द रोजमर का जो मामला है उसके लिए क्या होना चाहिए पॉलिटिशियन राइट लेट्स गिव द बेस्ट एज पर यू आपने कहा मैं लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि जी मुझे वोट डालो अरे भाई मैंने आपको एक ही बात सीधे कही है But, uh, सर क्या रही मेरी बात। जब मेरे हाथ में कुछ था मैंने सैतालीस हजार नौकरिया हमारे पूरे सिस्टम ने उस सिस्टम का भी मैं एक बहुत अहम हिस्सा था मैंने आपको करके दिखा दिया इक्कीस महीने में सिंपल अगर लोग समझते हैं हाँ ये दोबारा कर सकता है चलो नहीं समझते हो जाओ किसी और को दो जो दी। अपने दी। जो 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 अपने घर भरते हैं उनको पूछो जो दो दो बार तीन तीन, तीन बार चार चार बार एमएलए रिपीट हो रहे हैं क्या कोई और यहां है नहीं क्या इज देर नो बड़ी एल्स बहुत जगहों पर भारत देखोगे दो बार तीन बार चार बार उसी को बना रहे हैं फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे अपने पीडीपी वाले तो खैर एक दो बार ही आए हैं यू हैव टू गिव पीपल चू हैंगस्टर्स है नो द जॉब That is to be done. जी, बनना है जी एम एल ए दौड़ लगाओ जी अपना घर द्वार बेचो जी मुझे बनना है क्यों बनना है वो पता नहीं वो बनना है इसलिए कि उसको पहले अपने वो वो बनने के लिए पहले पैसे देता है अब जब बन गया उसको पहले वो पैसे अपने रिकवर करने हैं फिर उसको आइंदा इलेक्शन के लिए दौड़ना है क्योंकि वो कहता है कि आइंदा भी मुझे ही बनाया जाएगा गजब बात है ये, तो ये, ये राजा महाराजों का जमाने में चलता था

वो लड़ाई शेरी कश्मीर ने नहीं लड़ी थी मेरे बाप ने नहीं लड़ी थी मेरे वालिद ने जब तक वो इस दुनिया से गए उन्होंने मुझे कभी भी प्रमोट नहीं किया आगे